इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट ये सबसे ईजीएसट टेस्ट होता है पर ये सिर्फ फाइनाइट सब ग्रुप्स पर फाइनाइट सबसेट्स पे ही लग सकता है ठीक है तो लिमिटेशन है इसकी पर ये सबसे ईजी भी होता है देखते हैं सबसे ईजी टेस्ट सब ग्रुप्स का पिछली दो तो वीडियोस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की और टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की अब हमारा बस एक ही सब ग्रुप टेस्ट बचा है उसके बाद हम काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशन करेंगे कि कैसे सब ग्रुप टेस्ट वर्क करते हैं ठीक है थीके? तो देखते हैं टेस्ट let g dot be a group at a non empty finite subset of d is a subgroup of d if the closure law holds विध रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ जी यानि की अगर एच कोई फाइनाइट सब ग्रुप है जी का एक तो सब ग्रुप है और ऊपर से एच क्या है फाइनाइट है तो एच सब से तो हमें शुरू करना सब ग्रुप है जी का उसके लिए हमें सिर्फ एक स्टेप वेरीफाई करने की जरूरत है कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है या नहीं अगर क्लोजर लॉ होल्ड करता है हर एलिमेंट के लिए तो हमारा काम खत्म बस वहीं पर तो ये सबसे इजी टेस्ट है वेरीफाई करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू तो अब एग्जाम्पल लेते हैं जेड टेन का हम देखते हैं इसके कितने सब ग्रुप्स पॉसिबल हैं तो सब ग्रुप बनाने के पहले हम सभी एलिमेंट्स को ऑर्डर देख लेते हैं इसको है one, इसको है ten, इसका ऑर्डर है वन इसका ऑर्डर है टेन इसका फाइव टेन 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 अब नहीं इसका टेन नहीं इसका है इसका टू है फोर का ऑर्डर क्या होगा फाइव सिक्स का ऑर्डर क्या होगा फाइव एट का ऑर्डर फाइव hmm? तो हमारे पास सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर आ गया अब हम सब ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं अब इसका ऑर्डर कैसे निकाला अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो हमने ऑर्डर पे अलग से एक वीडियो बनाई है। आप उससे देख सकते हैं तो अब हमने एक सब ग्रुप बनाया वन कॉमा नहीं ज़ीरो कॉमा फाइव ये हमने एक सबसेट बनाया और फाइनेट बनाए दिख रहा है हमें तो हम देख सकते हैं कि सब ग्रुप है या नहीं विद द हेल्प ऑफ फाइनेट सब ग्रुप टेस्ट तो लगाते हैं फाइनेट सब ग्रुप टेस्ट क्या कहते हैं हमें चेक करना है कि एच सब ग्रुप ऑफ जी है या नहीं है तो फाइनेट सब ग्रुप टेस्ट हम लगा रहे हैं सल्यूशन उसमें क्या चेक करना होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए आप जीरो को फाइव के साथ एडिशन मॉडल टेन लगाओ तो क्या आएगा जीरो प्लस फाइव डिवाइड बाय टेन एंड द रिमाइंडर इज फाइव अगर आप फाइव को लगाओ तो क्या आएगा अगेन फाइव यानि कि क्लोजर लॉ होल्ड करे आप जीरो को फाइव के साथ करो फाइव को जीरो के साथ करो वापस आ रहे सिर्फ क्लोजर चेक करना था हमें तो इससे क्या पता चलता था कि अ सब ग्रुप ऑफ जी इजी था ऐसे हम और भी तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे कि एक और सब ग्रुप इसका हम बना सकते हैं के नाम रख देते हैं ज़ीरो टू फोर सिक्स एट अब आपको चेक करना है कि इस पर क्लोज लो है होल्ड कर रहा है कि नहीं आपको सभी एलिमेंट्स को देखना है मल्टीप्लाई करके क्या कहते हैं एडिशनल मॉडलो टेन के अंडर ऑपरेट करके मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे ऑपरेट होता है तो ऑपरेट करके देखना है आपको और अगर क्लोज होल्ड कर रहा है तो हम क्या कह देंगे कि ये भी क्या है सब ग्रुप है जी का

वो है इन टेस्ट को कुछ इम्पॉर्टेंट सबसेट्स पे लगाना जैसे कि सेंटर सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर और ये तीन है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पूरी मैथ्स में काम आएंगे आपको एम में भी काम आएंगे आपको पी में भी काम आएंगे तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एज़ फार एज इज कंसर्नड ठीक है तो बस हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होगा इन तीनों को स्टडी करना और फिर सब ग्रुप टेस्ट की एप्लीकेशन इन तीनों को स्टडी करते करते आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिप बहिम ही साइनिंग ऑफ